गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टू मैथ्स स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 8 शेप्स एंड पैटर्न्स इसे शुरू करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं शेप्स की। तो देखो, शेप्स आपने क्लास 1 में शेप्स भी पढ़ी हैं, पैटर्न्स भी पढ़ा है। इवन जो शेप्स हैं वो क्लास आपने UKG में भी सीखी हैं। आप शेप्स ड्रॉ करना भी जानते हो, उनके नाम भी जानते हो। क्लास 1 में आपने पढ़ा भी था कि शेप्स कितने टाइप्स की होती हैं। 2 टाइप्स पढ़े थे हमने, प्लेन शेप्स एंड सॉलिड शेप्स। तो देखो, अब आपको हम शेप शुरू करते हैं। सबसे ऊपर दिया गया है वार्म अप में देखो 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। ए पार्ट में आपको क्या करना है, देखो, कलर ग्रीन इन ट्राइंगल, रेड इन स्क्वायर, येलो इन सर्कल एंड ब्लू इन रेक्टेंगल। देखो नीचे एक पिक्चर बनी हुई है, इसमें बहुत सारे शेप्स का यूज़ किया हुआ है। तो देखो, जो जो ट्राइंगल्स हैं उनमें आप ग्रीन कलर करोगे, स्क्वायर में रेड, सर्कल में येलो और रेक्टेंगल में ब्लू। इस तरीके से आपको इस पिक्चर में कलर करने हैं। ओके बेटा, समझ में आया? अब आ जाओ बी पार्ट पे, मैच दी फॉलोविंग। देखो इसमें आपको ऊपर कुछ सॉलिड शेप्स के ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और नीचे उनके सॉलिड शेप्स के नेम लिखे हैं। तो ये जिस सॉलिड शेप का एग्जाम्पल है आपको उसे मैच करना है। फर्स्ट देखो, ये एक चौक का बॉक्स है, तो देखो ये आपका क्यूब का एग्जाम्पल है, आप इसे क्यूब से मैच करना। देखो टोमेटो है आपका स्फेयर का एग्जाम्पल है, ये सेल है सिलेंडर, मैच बॉक्स क्यूबॉइड, आइसक्रीम कॉन कॉन का एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप इन्हें मैच करोगे। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट देखो। आप नेक्स्ट पेज पे 101 पे देखो, ऊपर आपको लाइंस दी गई है। लाइंस देखो, लाइंस स्ट्रेट लाइंस और कर्व्ड लाइंस दोनों की बात करते हैं हम। देखो स्ट्रेट लाइंस होते हैं जो बिल्कुल सीधी लाइनें हो, जैसे कि देखो ये मैं बिल्कुल सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, कहीं से मुड़ी तुड़ी नहीं है ये। तो ये सभी है हमारी स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी लाइन। दूसरी होती है कर्व लाइन, जो ऐसे मुड़ी तुड़ी हो, इन्हें फनी लाइन भी कहते हैं, जो कहीं से भी बिल्कुल सीधी ना हो, मुड़ी तुड़ी हो। तो ये होती है हमारी कर्व लाइंस। जैसे कि देखो यहाँ पे एक धागा लिया है, रस्सी ली है, अगर मैं उसे खींच के पकड़ूंगी एकदम टाइट तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हमारी। अगर मैं उसे लूज छोड़ दूंगी तो देखो वो घूम जाएगी ऐसे, कर्व गोलाई में आ जाएगी, फिर वो कर्व लाइन बन जाएगी। समझ में आया बच्चे? अब देखो लाइंस की, स्ट्रेट लाइंस की बात करते हैं। देखो स्ट्रेट लाइंस आपकी 3 टाइप्स की होती है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होती है वो लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट हो और ऐसे लेटी हुई हो, इस तरह की लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और देखो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है जो ऐसे लंबी खड़ी हुई हो, लंबी खड़ी हुई सीधी लाइन होती है वर्टिकल लाइन। और स्लैंटिंग लाइंस होती है ऐसे आड़ी, देखो इस तरीके से टेढ़ी हो जो। तो ये 3 टाइप्स हैं स्ट्रेट लाइंस की, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंटिंग। क्लियर है बेटा? तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। अब चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8. एक्सरसाइज 8.1 ए पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ कर्व हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंटिंग लाइन इन द फिगर शॉन। देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है, हट की पिक्चर। इसे बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल, स्लैंटिंग, वर्टिकल और कर्व लाइन, इन चारों लाइंस का यूज़ हुआ है। अब आपको काउंट करना है इस पिक्चर में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, कितनी स्लैंटिंग लाइंस हैं, कितनी वर्टिकल लाइंस हैं और कितनी कर्व लाइंस हैं। चलो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन से स्टार्ट करते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपकी ऐसे लेटी हुई लाइन, सीधी स्ट्रेट ऐसे लेटी हुई लाइन जो होगी। देखो वो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो देखो इसमें 13 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो आप यहाँ लिखोगे 13। अब देखते हैं, देखो स्लैंटिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस ऐसी होती हैं। तो देखो स्लैंटिंग लाइंस हैं 1, 2, 3, 4, 5, स्लैंटिंग लाइन हुई 5। समझ में आया बच्चे? अब देखो ऐसे ही वर्टिकल लाइन होती है ऐसे लंबी खड़ी हुई, कर्व लाइन होती है ऐसे गोल घूमी हुई। तो इस तरीके से अब आप वर्टिकल और कर्व लाइंस ढूंढोगे और उन्हें काउंट करोगे और इसमें लिखोगे। देखो मैंने काउंट करके लिखा भी हुआ है, वर्टिकल लाइंस है 14 और कर्व लाइंस है 12। ओके बेटा, समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट देखो बी पार्ट। बी पार्ट में आपको क्या करना है, देखो एक पिक्चर बनी हुई है, तो देखो ये सारी आपकी डॉटेड है, तो आपको इन्हें ट्रेस करना है। देखो इसमें जो कर्व लाइंस हैं ऐसी घूमी हुई जो, वेट, ऐसे देखो जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ऐसे गोल गोल गोलाई में लाइन है, वो कर्व लाइंस हैं। कर्व लाइंस को आप ग्रीन क्रेयॉन से ट्रेस करोगे, ग्रीन कलर से ट्रेस करोगे। और जो स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, देखो ऐसे, ये सभी आपकी सीधी लाइनें हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट है, उन्हें आप रेड कलर से ट्रेस करोगे। तो इस तरीके से देखो आप इस पिक्चर को ट्रेस करोगे। ओके बेटा, समझ में आया?
तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुई। आगे देखो शेप्स, अब हम बात करते हैं शेप्स की। देखो पहले हम प्लेन शेप्स जो होती हैं उनकी बात करते हैं। देखो प्लेन शेप्स में आपने पढ़ी भी है, देखो ये है आपका रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर, ओवल, सर्कल और एक और शेप है ट्राइंगल, वो नेक्स्ट पेज पे आपकी। अब हम बात करते हैं इनके साइड्स और कॉर्नर्स की। देखो प्लेन शेप्स में आपके साइड्स होते हैं और कॉर्नर्स होते हैं। जैसे देखो ये रेक्टेंगल बना हुआ है, देखो इसमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4, फोर साइड्स हैं। और कॉर्नर्स होते हैं किनारे, जहाँ पे दो साइड्स मिलती हैं वो होता है कॉर्नर। देखो ये कोना, तो देखो कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4, फोर कॉर्नर्स हैं। तो देखो रेक्टेंगल में फोर साइड्स होती हैं, फोर कॉर्नर्स होते हैं। ऐसे ही देखो स्क्वायर में भी फोर साइड्स हैं और फोर कॉर्नर्स हैं। अब देखो ओवल, ओवल जो है वो आपका एग जैसी शेप होती है। देखो इसका कोई साइड नहीं है और कोई कॉर्नर नहीं है, जैसे राउंड राउंड होता है। ऐसे देखो सर्कल की भी कोई साइड नहीं होती, कोई कॉर्नर नहीं होता। अब बात करते हैं हम ट्राइंगल की। ट्राइंगल की देखो, देखो 1 2 3, थ्री साइड्स हैं और कॉर्नर देखो 1 2 3, थ्री कॉर्नर्स हैं। तो ट्राइंगल में थ्री साइड्स और थ्री कॉर्नर्स होते हैं, जहाँ पे दो साइड्स मिलती है वो कॉर्नर होता है। ओके बेटा, समझ में आया। चलो अब करते हैं हम एक्सरसाइज 8.2। आइडेंटिफाई द शेप इन द पिक्चर बिलो, राइट एस फॉर स्क्वायर, आर फॉर रेक्टेंगल, सी फॉर सर्कल, टी फॉर ट्राइंगल एंड ओ फॉर ओवल। देखो नीचे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं, आपको इन्हें पहचानना है और बताना है इनकी शेप क्या है। जो स्क्वायर शेप है उसके लिए एस लिखोगे, रेक्टेंगल के लिए आर, ओवल के लिए ओ, सर्कल के लिए सी, ट्राइंगल के लिए टी। तो इस तरीके से आप इन्हें पहचानोगे और लिखोगे। फर्स्ट देखो एक वॉच बनी हुई है जिसकी शेप है देखो स्क्वायर, तो आप लिखोगे एस। फिर एक देखो एनवेलप है, रेक्टेंगल शेप है, आर लिखो। देखो एग है, एग की शेप होती है ओवल, ओ लिखो। फिर देखो काइट है स्क्वायर शेप में, एस लिखो। फिर देखो एक बैंगल है, सर्कल है, तो सी शेप लिखो। फिर देखो एक सिग्नल है जो ट्राइंगल शेप में बना हुआ है, तो इसके लिए टी लिखो। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 8.2 को करना है। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करेंगे सॉलिड शेप्स की। देखो एक्सरसाइज 8.2 में हमने प्लेन शेप्स को पढ़ा, उसकी एक्सरसाइज थी हमारी। अब एक्सरसाइज 8.3 में हम सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो सॉलिड शेप्स, ऊपर देखो कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, देखो बॉल, इरेजर, बर्थडे कैप, डाइस। तो देखो ये जो पिक्चर्स हैं ना, ध्यान से देखो, क्या ये प्लेन शेप्स हैं, बिल्कुल चपटी हुई चीज़ें हैं ये, एकदम फ्लैट? नहीं, ये प्लेन शेप्स नहीं हैं। देखो ये ठोस है, बहुत ज़्यादा जगह घेर रही है, 3D शेप्स हैं। तो ये है हमारी सॉलिड शेप्स। अब देखो सॉलिड शेप्स में क्या होगा, जैसे प्लेन शेप में देखो, प्लेन शेप में थी आपकी साइड्स थी और कॉर्नर्स थे, ऐसे ही जो आपकी सॉलिड शेप्स होती हैं उसमें देखो, जैसे मैंने एक कॉर्न ड्रॉ करा, देखो ये बर्थडे कैप, आइसक्रीम कॉन इसका एग्जांपल है। तो देखो इसके जो कॉन मैंने ड्रॉ करा, इसमें देखो आपके क्या होगा, इसमें आपके फेसेस होंगे, एजेस होंगे और आपके वर्टेक्स होंगे। अब देखो पहले फेस के बारे में पढ़ते हैं, फेस क्या होता है। देखो फेस होता है आपका जो सतह होती है, जिसे हम देख सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे आपको इस एग्जांपल से समझाया, अभी आप इसे ही देखो, ये एक यहाँ पे क्यू एक सॉलिड शेप ड्रॉ करी हुई है। देखो यहाँ पे ये क्यूबॉइड है, कॉन है, स्फेयर है, तीन सॉलिड शेप्स बनाई हुई है। अब आपको बताते हैं इनके फेसेस, एजेस और वर्टेक्स के बारे में। फर्स्ट हम बात करते हैं फेसेस की। देखो फेस होता है सरफेस, जो हम जो सतह होती है इसकी, उसे कहते हैं फेस। जैसे कि देखो हम क्यूब का एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ करा, अब मैं इसका क्यूब बनाऊंगी। तो देखो ये सॉलिड शेप क्यूब बन गई। अब देखो इसमें फेसेस कितने हैं, देखो एक ये रहा, एक ऊपर है, एक पीछे है, एक नीचे है, फोर हो गए, एक साइड में यहाँ 5 और एक इस साइड में 6। तो इसके 6 फेसेस हैं। तो ये होते हैं फेसेस। अब दूसरा होता है एज। एजेस क्या होते हैं, जहाँ पे दो फेसेस मिलते हैं। देखो जैसे कि एक ये वाला फेस और अब एक ये वाला फेस, तो देखो यहाँ पे ये दो फेसेस मिले, तो ये हो गया इसका एज। जहाँ पे दो फेसेस मिलते हैं वो होता है एज। अब तीसरा है आपका वर्टेक्स, जिसको यहाँ पे कॉर्नर भी कहा गया है। वर्टेक्स होता है आपका जहाँ पे दो एजेस मिलते हैं। देखो ये एक एज ये, तो
तो जहाँ पे ये दो एजेस मिले ये होता है वर्टेक्स। समझ में आया बेटा? प्लेन शेप में आपके साइड और कॉर्नर होते हैं, सॉलिड शेप में आपके फेस, एच और वर्टेक्स होते हैं। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखो अब आगे, देखो आपको मैथ जिम दिया गया, पहले से कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ईच ऑफ माई फेस इज स्क्वेयर। मेरा हर एक फेस स्क्वेयर शेप का होता है, तो बताओ मैं कौन हूँ? वो है क्यूब। जो क्यूब होती है उसका हर फेस स्क्वेयर शेप का होता है। जैसे कि देखो ये डाइस है, ये क्यूब का ही एग्जांपल है। देखो इसके फेसेस, देखो ये वन फेस, ये टू, ऊपर थ्री, पीछे फोर, उधर फाइव, नीचे सिक्स, तो सिक्स फेसेस हो गए। और देखो इसके हर एक फेस स्क्वेयर शेप में है, तो ये हुआ क्यूब। अगला है सेकंड, देखो ईच ऑफ माई फेस इज अ रेक्टेंगल। मेरा हर एक फेस रेक्टेंगल शेप का होता है, तो वो होता है आपका क्यूबॉइड। थर्ड है, चिल्ड्रन लव टू ईट आइसक्रीम इन मी। बच्चे मुझ में आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, तो देखो कॉर्न के अंदर आइसक्रीम खाना पसंद करते हो ना आप लोग, तो वो है कॉर्न। फोर देखो, आई एम लाइक अ बॉल। आई एम अ, देखो मैं बॉल जैसा हूँ, मैं क्या हूँ? वो है स्फीयर। फिर देखो, अ डाइस इज अ डैश। डाइस क्या है? देखो ये डाइस ही बना हुआ है, तो डाइस है आपका क्यूब। क्लियर है बेटा? तो ये हुआ आपका मैजियम। अब आगे देखो, अब हम बात करते हैं जो हमने सॉलिड शेप्स, थ्री डी शेप्स पढ़ी हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कॉर्न, सिलेंडर। अब देखो इनके फेसेस और एजेस और कॉर्नर्स के बारे में। कॉर्नर होता है वर्टेक्स, कॉर्नर्स वर्टेक्स एक ही बात है। अब उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट देखो क्यूब, क्यूब में हमने पढ़ा इसके सिक्स फेसेस होते हैं। एजेस देखो, जो लाइनें हैं ये, जो साइड्स हैं, ये पूरे जितने साइड्स हैं इसके अंदर 12 साइड्स होते हैं, 12 एजेस होते हैं। अब देखो कॉर्नर्स वर्टेक्स होते हैं 8। तो ये आपको याद रखना है, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों सेम होते हैं, इनमें सेम फेसेस, सेम एजेस, सेम कॉर्नर्स होते हैं। सिक्स फेसेस, 12 एजेस, 8 वर्टिसेस। अब बात करते हैं स्फीयर की। देखो ये स्फीयर है एक बॉल, तो इसका एक ही फेस होता है। अब देखो इसका कोई एज नहीं है और कोई इसका कॉर्नर नहीं है, कोई कोना नहीं है इसके अंदर। तो स्फीयर हैज़ ओनली वन फेस, इट हैज़ नो एज एंड नो वर्टेक्स। इसका कोई एज और कोई वर्टेक्स नहीं होता। अब बात करते हैं हम कॉर्न की। देखो कॉर्न ये बनाया, सॉरी ये बनाया कॉर्न। तो देखो कॉर्न के फेसेस, दो फेसेस होते हैं, एक कर्व्ड और एक फ्लैट। ये फेसेस हुए इसके। एजेस होते हैं इसके 1, और देखो कॉर्नर वर्टेक्स होता है 1। देखो ये एक ही कोना है ना इसमें, तो ये हुए इसके फेसेस, एजेस और कॉर्नर। कॉर्न में 2 फेसेस, 1 एज और 1 कॉर्नर, यानी वर्टेक्स। अब बात करते हैं सिलेंडर की। देखो सिलेंडर के कितने फेस होते हैं? सिलेंडर के 3 फेस होते हैं, 1 कर्व्ड और ये ऊपर नीचे वाले होते हैं फ्लैट। तो इसके 3 फेसेस होते हैं। अब देखो एजेस, एजेस होते हैं इसके 2। अब देखो कॉर्नर्स, देखो कोना कोई नहीं है इसमें, एक भी कॉर्नर नहीं है इसमें, तो इट हैज़ नो कॉर्नर्स, तो आप लिखोगे 0। तो ये टेबल बेटा आप सभी को लर्न करनी है अच्छे से, कि इन शेप्स में कितने फेसेस, एजेस और कॉर्नर्स होते हैं। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3। टेक द करेक्ट चॉइस। आई हैव ओनली वन फेस, आई एम अ क्यूब और स्फीयर। देखो मेरा एक ही फेस होता है, बताओ मैं कौन हूँ, क्यूब हूँ या स्फीयर हूँ? तो देखो स्फीयर का एक ही फेस होता है, तो आप स्फीयर को टिक करना। सेकंड, आई हैव 8 कॉर्नर्स, आई एम अ क्यूबॉइड और कॉन। देखो मेरे 8 कॉर्नर्स होते हैं, मैं क्यूबॉइड हूँ या कॉन हूँ? तो देखो कॉन का तो एक ही कॉर्नर है, कॉन तो होगा नहीं, क्यूबॉइड के होते हैं 8 कॉर्नर्स, तो आप क्यूबॉइड को टिक करोगे। थर्ड, आई हैव 3 फेसेस, आई एम अ स्फीयर सिलेंडर। देखो मेरे 3 फेसेस होते हैं, बताओ मैं स्फीयर हूँ या सिलेंडर हूँ? तो देखो स्फीयर का तो एक ही फेस होता है, सिलेंडर के होते हैं 3 फेसेस, तो आप सिलेंडर को टिक करना। ओके बच्चे, क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए। फोर्थ, आई हैव 1 कॉर्नर, आई एम अ कॉर्न और क्यूब। देखो मेरा एक ही कॉर्नर होता है, बताओ मैं कॉर्न हूँ या क्यूब हूँ? तो देखो कॉर्न, जो कॉर्न होता है उसका एक ही कॉर्नर होता है, तो आप कॉर्न को टिक करोगे। अगला देखो फिफ्थ, आई हैव 2 एजेस, आई एम ए सिलेंडर और कॉर्न। मेरे 2 एजेस होते हैं, बताओ मैं सिलेंडर हूँ या कॉर्न हूँ? तो देखो 2 एजेस होते हैं सिलेंडर के, तो आप सिलेंडर को टिक करोगे। ओके बच्चे, क्लियर है? समझ में आया? चलो अब आगे बात करते हैं। बी पार्ट, कलर। इसमें आपको कलर करना है। देखो नीचे कुछ सॉलिड शेप्स की ऑब्जेक्ट्स बने हुए, चीज़ें बनी हुई हैं। देखो कैंडल, पेंसिल बॉक्स, डाइस, बॉल, कैन,
अर्थ, बर्थडे कैप, आइस क्यूब। अब जो ये शेप्स हैं, ये कौन से 3D शेप्स के एग्जांपल्स हैं, कौन से 3D शेप्स की, सॉलिड शेप्स की चीज़ें हैं, उन्हें पहचानना है और कलर करना है। देखो, जो सिलेंडर शेप्स के ऑब्जेक्ट हैं उसमें आप रेड कलर करोगे, स्फीयर शेप में ब्लू, क्यूब में येलो, क्यूबॉइड में पर्पल और कॉन में ग्रीन। तो देखो, कैंडल और ये कैन सिलेंडर शेप के हैं, इसमें रेड कलर करना। अब देखो, ये अर्थ और ये बॉल स्फीयर है, गोल है, तो इनमें ब्लू करना। अब देखो, ये डाइस और ये आइस क्यूब, ये आपके क्यूब हैं, तो आप क्यूब में करोगे येलो। अब देखो, ये कॉर्न शेप में बर्थडे कैप, इसमें ग्रीन करना। पेंसिल बॉक्स आपका क्यूबॉइड शेप है, तो आप इसमें पर्पल करना। ओके बेटा, क्लियर है? सी पार्ट देखो, नेम द प्लेन और सॉलिड शेप दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कैस्टल। देखो, ये कैस्टल बना हुआ है। अब इसमें देखो, जो कैस्टल का बेस है, पिलर है, आउटर वॉल है, टावर है, इसकी रूफ है, रूफ होती है छत, ये कौन सी शेप्स के एग्जांपल्स है, प्लेन के या सॉलिड के? तो देखो, कैस्टल बेस, जो ये इसका बेस है, देखो ये है प्लेन। अब देखो, जो इसके पिलर्स हैं, ये देखो, ये पिलर्स और बाहरी जो वॉल है, ये सॉलिड है, सिलेंड्रिकल शेप है, तो ये सॉलिड हुआ। अब देखो, जो टावर है, देखो ये टावर हमारा कौन शेप का है, सॉलिड शेप, तो ये भी सॉलिड है। अब देखो, रूफ, जो छत है, तो रूफ तो प्लेन है, फ्लैट है एकदम, तो ये हुआ आपका प्लेन। ओके बेटा, आगे देखो, शेप्स दैट रोल एंड स्लाइड। अब हम बात करते हैं, जो सॉलिड शेप्स हैं और प्लेन शेप्स हैं, कौन कौन सी शेप्स रोल करती हैं और कौन कौन सी शेप स्लाइड करती हैं। रोल मतलब होता है ऐसे रोलिंग करते हुए, घूमते हुए नीचे आना, और स्लाइड होता है फिसलते हुए, स्लाइड करते हुए नीचे आना। लाइक देखो, मैंने एक ये इस तरीके से एक सतह बनाई, सरफेस बनाया। अब इसके ऊपर से मैं एक बॉल को नीचे फेंक रही हूँ, तो ये बॉल स्लाइड करते हुए नीचे आएगी या रोल रोल गोल गोल घूमते हुए नीचे आएगी? देखो, बॉल है, कर्व्ड फेस है इसका, तो ये गोल गोल घूमते हुए नीचे आएगी। जिन जिन चीज़ों के फेसेस कर्व्ड होंगे यानी घुमावदार होंगे, वो रोल करेंगे, और जिनके फेसेस जो हैं, जिनके जो साइड्स हैं, फेसेस हैं, वो एकदम स्ट्रेट होंगे, बिल्कुल सीधे होंगे, वो स्लाइड करेंगे। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है। तो देखो, ये बॉल है। अब बॉल को मैंने ऊपर पुश किया, फ्लोर पे, फर्श पे मैंने उसे आगे धकेला, तो देखो वो स्लाइड करेगी या रोल करेगी? तो देखो, बॉल हमारी रोल करेगी, तो आप यहाँ लिखोगे रोल। अब देखो, एक मैच बॉक्स है, माचिस की डिब्बी है, तो देखो इसके जो फेसेस हैं वो स्ट्रेट हैं, सीधे हैं, तो ये हमारा स्लाइड करेगा, रोल नहीं करेगा। अब देखो, एक कॉइन है, सिक्का। अब देखो, इस कॉइन को अगर मैं सीधा ऐसे ही फेंकती हूँ तो स्लाइड करते हुए आएगा, अगर मैं ऐसे ऐसे गोलाई में फेंकूँगी तो ऐसे तो गोल गोल घूमते हुए आएगा, तो ये स्लाइड भी करेगा और रोल भी करेगा। ओके बच्चे, आगे देखो, अब है आपकी एक्सरसाइज 8.4। इसमें देखो, एक टेबल दी गई है आपको, बस इतना ही है। इसमें करना क्या है आपको, फाइंड आउट वेदर दिस ऑब्जेक्ट्स रोल और स्लाइड और बोथ। देखो, यहाँ पे एक टेबल है, इसमें देखो जो आपकी लेफ्ट साइड है, कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, और ऊपर देखो कॉलम्स है, रोल, स्लाइड और बोथ। रोल का मतलब होता है गोल गोल घूमते हुए नीचे आना, स्लाइड मतलब स्लाइड करते हुए फिसलते हुए नीचे आना, और बोथ होता है दोनों। आपको ये बताना है, ये चीज़ें रोल करेंगी, स्लाइड करेंगी या दोनों करेंगी। जैसे कि देखो, कॉइन का हमने पढ़ा, कॉइन रोल भी करेगा और स्लाइड भी करेगा, तो हमने बोथ पे टिक लगाया। अब देखो, ये पेंसिल बॉक्स है, तो देखो इसके जो फेसेस हैं वो कर्व्ड नहीं है, स्ट्रेट है, सीधे है, तो ये स्लाइड करेगा, रोल नहीं करेगा। एप्पल देखो, कर्व्ड है, कर्व्ड फेसेस का, तो ये रोल करेगा। अब देखो, ब्रिक, ईंट है, तो इसके भी स्ट्रेट फेसेस है, तो ये स्लाइड करेगी। अब देखो, जो सेल है, ये बैटरी, सिलेंड्रिकल शेप है, अगर आप इसे ऐसे ही फेंकोगे तो रोल करते हुए आएगा, इसे खड़ा करके नीचे डालोगे तो ये स्लाइड भी करेगा, तो ये आपका रोल और स्लाइड दोनों करेगा। आपकी बॉल रोल करेगी, डाइस स्लाइड करेगा। समझ में आया बच्चे कैसे करना है? तो ये हुई आपकी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। आप एक्सरसाइज 8.1 से 8.4 तक अपनी बुक में करोगे। इसके अलावा आपको अपनी नोटबुक में प्लेन शेप्स और सॉलिड शेप्स ड्रॉ करनी है। ओके बच्चे, क्लियर है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इन एक्सरसाइज को अपनी बुक में कीजिए, प्लेन शेप्स और सॉलिड शेप्स नोटबुक में ड्रॉ कीजिए, और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।